हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है और मैं आपका स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ। आज का ये वीडियो हमारा #day5 है, #day5, जिसमें कि हम आज part 2 करने वाले हैं। और ये part 2 किसका है, चैप्टर हमारा लाइट का है, लाइट NCERT का ये आपका चैप्टर है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस चैनल पर हम अभी फ़िलहाल तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग एग्ज़ाम CTET जनवरी 2024 में जो होने वाला है, और ये यहाँ पर हम तैयारी कर रहे हैं अपने विज्ञान की। तो आप मेरे साथ साइंस के लिए इस चैनल पर जुड़ सकते हैं, और यहाँ पे साइंस मैं करा रही हूँ आपको NCERT बेस्ड, तो आप ईजिली यहाँ से जुड़ सकते हैं और आप साथ ही साथ आप अपने नॉलेज को भी गेन कर सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस में ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पर कंटेंट पढ़ते हैं और दूसरी चीज़ हम उससे रिलेटेड उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं, तो दोनों चीज़ें यहाँ पे साथ में आपको मिलती हैं, तो आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने इसका part 1 नहीं देखा है तो part 1 मैंने इसका डाला हुआ है #day4 में, तो आप जाकर उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। और सिर्फ मैंने उतना ही कराया है उस 1 घंटे में जितना आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आप जाकर उसको ज़रूर देख लीजिएगा। साथ ही साथ जो मेरे सीरीज़ चलाई है CTET की, उस सीरीज़ को भी आप देख लीजिएगा, जिसमें #day1 है। day 1 में हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर किया था, फिर day 2 में हमने एसिड एंड बेसिस किया था, तो ये हमारे सब कंटेंट भी हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं। और day 3 में हमने कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड पढ़ा था, और day 4 में लाइट का चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पढ़ा है मिरर के बारे में, लेंसेज के बारे में, साथ ही साथ रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, तो ये सब चीज़ें हमने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ी हैं। प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट समझा है, उस प्लेन मिरर के कॉन्सेप्ट से जितने भी एप्लीकेशंस हैं वो हमने मल्टीपल रिफ्लेक्शन, फिर कैलाइडोस्कोप, पेरिस्कोप, ये सारी चीज़ें उसमें पढ़ी हैं, पिन होल कैमरा। आज के भी वीडियो में हम जब लास्ट में MCQs करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि उस टॉपिक से अभी कितने क्वेश्चंस और बचे हुए हैं जो हम प्रीवियस ईयर आज करने वाले हैं। तो इस सेशन को पूरे लास्ट तक देखिएगा, पिछला सेशन भी देख लीजिएगा। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर देते हैं, और आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहली बात आती है डिस्पर्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का फैलाव। इसमें क्या होता है, इसमें आपने देखा होगा कि रेनबो में क्या होता है, एक लाइट सनलाइट आई और वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, तो इसी को क्या बोल देते हैं, डिस्पर्शन बोलते थे। जब व्हाइट लाइट पास हो रही है ग्लास प्रिज्म से और उसमें एक स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स आपको देखने को मिल रहा है, और वो स्पेक्ट्रम क्या है, आपने हमेशा देखा है विग योर, ठीक है, ये क्या है, स्पेक्ट्रम है, और जिसमें कि व्हाइट लाइट का जो है वो फैलाव हो जाता है अपने कंस्टिट्यूएंट कलर्स में। जब सफ़ेद प्रकाश को कांच के प्रिज्म से गुजारा जाता है तो यह अपने रंगों में स्पेक्ट्रम में विभाजित हो जाता है, और सफ़ेद प्रकाश के अपने घटक रंगों के विभाजित होने की प्रक्रिया को फैलाव कहते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन। आइए इमेज के थ्रू हम देख लेते हैं। आपके लिए ये इमेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप सबसे पहले देख सकते हैं कि ये वाइट लाइट यहाँ से गई, यहाँ से क्या हो गया, यहाँ पे क्या था, एयर था इसमें, यहाँ पे क्या था, ग्लास था, अब ग्लास से फिर बाहर की तरफ हो गई तो वापस से एयर हो गई, तो इसका मतलब medium 1, medium 2 और ये medium 1 में जो है वापस आ गई। तो इस मीडियम के चेंज होने से आप देख सकते हैं कि लाइट कैसे स्प्लिट हो रही है, यहाँ गई फिर बेंड हो गई फिर ऐसे और जाके बेंड हो गई, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था, आपने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा होगा कि हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन, तो ये कैसे हो रही है, ये क्योंकि यहाँ पे क्या है, रिफ्रैक्शन की जो है प्रक्रिया जो है वो लग जा रही है, क्योंकि रिफ्रैक्शन में क्या था कि मीडियम के चेंज होने से क्या था, लाइट जो है वो बेंड या तो टुवर्ड्स द नॉर्मल हो रही थी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो रही थी। और मैंने आपको बताया था कि जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आएगा, मतलब हम खुले आकाश से, एयर से हम किस में आ गए, किसी घने जंगल में आ गए, तो हम संकुचित हो जाएंगे, एकदम चिपक जाएंगे, तो मतलब पास आ जाएंगे, नॉर्मल की तरफ आ जाएंगे। पर अगर
ये उल्टा हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो आप ये सब यहाँ देख सकते हैं क्या क्या हुआ। साथ ही साथ इस स्लाइड में आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बात क्या है कि सबसे कम डेविएशन जो देखने को मिलता है वो रेड लाइट का होता है। आप देख सकते हैं ये जो एंगल है सबसे कम किसका हो रहा है, रेड लाइट का, और सबसे ज़्यादा डेविएट कौन सा हो रहा है, वॉयलेट लाइट हो रही है सबसे ज़्यादा डेविएट। ठीक है, तो रेड लाइट सबसे कम डेविएट होती है, इसलिए रेड लाइट रेड सिग्नल्स पे यूज़ होती है, एम्बुलेंस में हम रेड यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा इसकी क्या होती है, वेवलेंथ होती है रेड की। अब आपको याद क्या रखना है इसमें कि रेड की जो वेवलेंथ है वो मैक्सिमम है और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, मिनिमम। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। पहली चीज़ कि रेड जो है वो क्या करेगा, रेड लीस्ट डेविएट हो रहा है, लीस्ट डेविएट हो रहा है, और दूसरी बात है वॉयलेट क्या हो रहा है, मैक्सिमम डेविएशन शो कर रहा है। दूसरी बात, वेवलेंथ जो होती है रेड लाइट की वो क्या होती है, वो सबसे ज़्यादा होती है वेवलेंथ। आप देख सकते हैं वेवलेंथ रेड लाइट की क्या है, सबसे ज़्यादा है, और फ्रीक्वेंसी रेड लाइट की सबसे कम है। तो आपको याद रखने वाली, मैं आपको तरीका बता रही हूँ याद रखने के लिए, आप ध्यान से देखिए स्लाइड की तरफ। ये देखिए यहाँ पे क्या है, ऐसे आया और पूरा नीचे की तरफ बेंड हो गया, तो जो ज़्यादा मुड़ जा रहा है लैम्डा है देखने में ऐसा। ठीक है, लैम्डा ऐसा है। अब जो सबसे ज़्यादा नीचे की तरफ जो झुक जा रहा है वो क्या हो जाएगा, वो हमारा वॉयलेट हो जाएगा, और जो ऊपर की तरफ रह गया ऐसा रह गया वो क्या है, वो रेड है। तो मतलब रेड में लीस्ट डेविएशन है, एंगल आप देख सकते हैं, और इसमें क्या है, मैक्सिमम डेविएशन है। सबसे पहले देख लेते हैं स्क्लेरा। स्क्लेरा क्या होता है, तो स्क्लेरा हमारा क्या है, ये वाइट पोर्शन है आइज का। आपने जो देखा है आपके आइज में ये वाला पोर्शन, ये हिस्सा जो वाइट वाइट सा हिस्सा है, एंड इट इज मेड अप ऑफ, ये किससे बना होता है, ये कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, जो कि हमारे अंदर की जो ये अंदरूनी आंख है, ये सब जो एरिया है अंदर आंख का, इससे क्या है, स्क्लेरा का काम होता है प्रोटेक्ट करना। ठीक है, तो स्क्लेरा का आप फंक्शन क्या लिख सकते हैं, ये प्रोटेक्ट करता है हमारी इंटरनल आइज को। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है हमारी, हम देखते हैं क्या, आइरिस। आइरिस क्या होता है, आइरिस के कोई भी कलर, किसी की आइज ब्लू होती है, ब्लू है पानी पानी वाली आइज जो है ब्लू आइज, या किसी की दागिन वाली हरी आंखें हैं, तो ये जो आंखें का कलर है वो कौन बताता है, ये बताता है आइरिस। तो आइरिस का काम क्या हो गया, आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे आंखें कैसी हैं, नीली आंखें हैं, तो कलर जो पिगमेंटेड होती है वो कौन बताता है, वो आइरिस का काम होता है इसका कलर को बताना। दूसरा काम होता है ये डायमीटर किसका कंट्रोल करता है, पीपल के डायमीटर को। अब ये पीपल है, आप पीपल देख सकते हैं, ये मैं इसको अगर रेड से दिखाऊं तो ये वाला एरिया काला काला सा हिस्सा जो पुतली वाला हिस्सा हो गया, इसको क्या बोलते हैं, पीपल। तो ये पीपल के जो इसके डायमीटर को जो है वो कौन रेगुलेट करता है, आयरिस। जब लाइट ज्यादा पड़ती है तो आयरिस का एक रेगुलेशन स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ज्यादा रोशनी अंदर एंटर नहीं हो पाती है। ठीक है, जितना ज्यादा लाइट सोर्स होगा उसके हिसाब से आयरिस अपना काम करेगा और पीपल की जो है वो मदद करेगा। तो आयरिस का दो काम हो गया, एक तो कलर को प्रोवाइड करना और क्या है, डायमीटर को मेंटेन करना। किसके डायमीटर को, प्यूपिल के डायमीटर को मेंटेन करना। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। अगली बात आती है हमारी कॉर्निया। ये कॉर्निया क्या होता है, तो ये एक तरह का ट्रांसपेरेंट होता है एरिया, और ये ट्रांसपेरेंट एरिया क्या करता है, डायरेक्ट जो रेज ऑफ लाइट आती है सबसे पहले वो कहाँ पे आती है, वो कॉर्निया पे आती है। तो सबसे पहली लाइट रेज जो एंटर होती है वो कॉर्निया में है। तो फर्स्ट लाइट रे का एंट्रेंस क्या है, मतलब ये फर्स्ट लाइट रे का क्या हो गया, एंट्रेंस पॉइंट हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, एंट्रेंस पॉइंट हो गया, कौन, कॉर्निया, जिसमें आ जाती है लाइट की रेज अंदर। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड की तरफ, सॉरी अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारा प्यूपिल। अब प्यूपिल का क्या काम होता है, प्यूपिल का काम होता है, अब ये जो हो गया प्यूपिल, ठीक है, ये वाला एरिया, इसका काम है कि ये जो लाइट अंदर एंटर हो रही है उसको रेटिना तक ले जाने का काम होता है प्यूपिल का। तो देखो आयरिस का काम क्या था, प्यूपिल को कंट्रोल करना, और प्यूपिल का काम क्या है, प्यूपिल में तो लाइट एंटर हो रही है ना, तो प्यूपिल का मैं मार्कर चेंज कर देती हूँ, ग्रीन कर देती हूँ। ठीक है, आयरिस का काम क्या था, प्यूपिल की लाइट को कंट्रोल करना। ठीक है, अब प्यूपिल पे क्या है, लाइट आ रही है डायरेक्ट, यहाँ पे लाइट एंटर हो रही है कॉर्निया से होती हुई। ठीक है, अब इस प्यूपिल का काम क्या हो जाएगा, ये जो लाइट एंटर हुई यहाँ पे उसको क्या करेगा, ये रेटिना तक लेकर जाएगा। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई, चलिए धीरे धीरे सुनते जाइए और हम फटाक से एक बार उसका क्विक रिविजन भी कर लेंगे तो सब चीजें याद हो जाएंगी। अब बात आती है
लेंस की। तो हमारी आईज में किस तरह का लेंस होता है, हमारी आईज में प्रेजेंट होते हैं बायकॉन्वेक्स लेंस। ठीक, अब ये लेंस कैसे, क्या हवा में लटका हुआ है? तो नहीं, यहाँ पे कुछ ऐसे लिगामेंट्स से प्रेजेंट होते हैं, इन लिगामेंट्स की वजह से, या इसको बोल देते हैं सीलियरी बॉडीज जो प्रेजेंट होती हैं। ये आपको सीलियरी बॉडी मसल्स दिख रही हैं, तो ये सीलियरी बॉडीज से क्या है, ये लेंस को मार्कर से, मैं फिर से बता देती हूँ आपको एक बार। तो ये हमारा लेंस हो गया, ठीक है, और इधर क्या प्रेजेंट है, सीलियरी बॉडी प्रेजेंट है, ठीक है, और ये लिगामेंट से जुड़ी हुई है, तो ये लेंस को क्या है, एक तरह से, एक तरफ से होल्ड करके रखती है। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है किसकी, सीलियरी बॉडी और आपका लेंस एक साथ हो गया। नेक्स्ट बात आती है कंजंक्टिविटा। ये कंजंक्टिविटा क्या होता है, कंजंक्टिविटा क्या होता है, इट ये हमारी आईज को क्या करता है, मॉइस्ट रखता है। तो इसका काम क्या है, हमारे आंख में आप अगर अगर फिंगर से रब करेंगे आप अपनी आईज को, तो आप देखेंगे हल्का सा पानी सा सिक्रीट होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये टीयर्स प्रोवाइड करता है आंखों को, साथ ही साथ म्यूकस सिक्रीट करता है। ठीक है, हमारी आईज को मॉइस्ट रखता है। अभी आप चिंता मत करिएगा, सारी चीजें मैं आपको वापस से बोलूंगी तो आपको सब याद हो जाएंगी। ठीक है, तो ये इसका काम क्या हो गया, कंजंक्टिवा का काम हो गया। ठीक, नेक्स्ट बात आती है किसकी, रेटिना की। तो रेटिना क्या हो जाता है, तो रेटिना इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द आई। अब ये क्या है, आई की हमारी इनर मोस्ट लेयर है क्या, रेटिना। अब रेटिना का क्या काम होता है, सबसे पहली बात है रेटिना पे हमारी क्या है, इमेज का फॉर्मेशन होता है। इतना आसान क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, पर आप जान लीजिए इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होता है, रेटिना पे। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, रेटिना के पास दो तरह के सेल्स होते हैं। अब आपको इन दो तरह के सेल्स याद के नाम रखने हैं याद, रॉड सेल्स और कोन सेल्स, जो हमने कल एक क्वेश्चन भी किया था। अगर आपने इससे पहला वाला वीडियो इसका देखा है तो आपको याद होगा, मैंने कैसे याद करवाया था, आर डी शर्मा जो मैथ्स की बुक चलती है, ठीक है, आर डी शर्मा मैथ्स की बुक है। तो आर एंड डी, आर रो रॉड सेल्स आर सेंसिटिव टू डिम लाइट, ठीक है, और कोन सेल्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट। अगर ज्यादा रोशनी बहुत तेज है तो हमारी आईज क्या है, सेंस कर लेगी ब्राइटनेस को, और ये जब क्या प्यूपल थोड़ा एकदम श्रिंक हो जाएगा, आयरिस इसको कंट्रोल कर देगा। तो ये सब किसका काम हो जाएगा, किसकी वजह से होगा, कोन सेल्स की वजह से होगा। ठीक है, ऐसे रॉड सेल्स क्या है, जब बहुत अंधेरा होगा, एकदम से धूप से अंदर आते हैं, तब तो क्या है, कोन सेल्स हमारे आईज के एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, अब बात आती है हमारी किसकी, ऑप्टिक नर्व की। तो ये ऑप्टिक नर्व सारे सिग्नल्स यहाँ से लेके डायरेक्ट जाके ब्रेन को दे देता है कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, ये देखा। ठीक है, तो ऑप्टिक नर्व क्या है, ये एकदम पिछले हिस्से में, पोस्टीरियर पार्ट में प्रेजेंट होता है, और सारी नर्व इम्पल्स जो कि रेटिना से आ रही हैं, ये सारी नर्व इसको लेकर जाता है कहाँ पे, ह्यूमन ब्रेन पे, और ह्यूमन ब्रेन इससे सोच समझ के अपने विचारों को आगे आदान प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात आ जाती है किसकी, अब हमारे कुछ लिक्विड प्रेजेंट होते हैं आइस के अंदर, उसको भी हम देख लेते हैं। आगे वाले पोर्शन में आइस के प्रेजेंट होता है एक्वस ह्यूमर। ठीक है, एक्वस ह्यूमर क्या है, आगे वाला प्रेजेंट है, और ये क्या करता है, फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है आइस में। ठीक है, और साथ ही साथ क्या करता है, आइस को भी नरिश करता है। तो ये लिक्विड का काम क्या हो जाएगा, आइस के नरिशमेंट के लिए। ठीक है, दूसरी बात आ जाती है, दूसरा है हमारा विट्रस बॉडी, मतलब इसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। तो ये वाला एरिया जो हो गया, ये क्या हो गया, विट्रस ह्यूमर हो गया। ठीक है, जो लेंस और रेटिना के बीच का एरिया, लेंस और रेटिना के बीच का एरिया विट्रस ह्यूमर, और इधर से इधर का एरिया क्या हो जाएगा, एक्वस ह्यूमर। ठीक है, चलिए अभी आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, चलिए फटाक से इसको एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला टर्म क्या हमने देखा, अब मैं ब्लैक कलर यूज करती हूँ, फाइनल कलर। ठीक है, स्क्लेरा का काम क्या होता है, ये हमारी इनर आईज को प्रोटेक्ट करती है। तो ये एक तरह से क्या कर रही है, प्रोटेक्शन का काम कर रही है। ठीक है, और व्हाइट विजिबल पोर्शन जो है हमारे आईज का, वो है स्क्लेरा। नेक्स्ट बात आती है आयरिस की। तो आयरिस का दो काम था, एक तो कलर प्रोवाइड कर रहा था, और दूसरा काम क्या था, ये जो है ये रेगुलेट कर रहा है किसको, प्यूपिल को। तो प्यूपिल को रेगुलेट करना, ठीक है, जो लाइट रेज आई उसके हिसाब से। काम क्या है कॉर्निया का, कॉर्निया का काम क्या हो जाएगा, जो भी लाइट एंटर हो रही है, तो सबसे पहली लाइट, मतलब फर्स्ट लाइट रे कहाँ एंटर हो रही है, हमारी कॉर्निया पे जो है वो लाइट रे एंटर होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात आ जाती है प्यूपिल की। प्यूपिल का काम क्या हो जाता है, ये लाइट को ले लेता है, लाइट लेता है, और ये कहाँ जाके दे देता है, ये देता है रेटिना को। ठीक है,
तो लाइट रेज आई और रेटिना को इसने दे दिया। लेंस हमारा कैसा हो जाता है, बायकॉन्वेक्स लेंस होता है और ये यहाँ पे सिलियरी जो मसल्स हैं उससे अटैच होता है, जिससे कि लेंस जो अपनी पोजीशन पे रहे और ये प्रेजेंट होते हैं लिगामेंट के साथ। ठीक है, नेक्स्ट बात आ जाती है कंजंक्टिवा की। कंजंक्टिवा का काम होता है हमारे आईज में म्यूकस सेक्रीट करना, टीयर्स बनाना, ठीक है, साथ ही साथ ये है हमारे आईज में एक तरह से ल्यूब्रिकेशन का काम कर सकता है, ये आप इजीली लैंग्वेज में बोल सकते हैं। अब बात आती है रेटिना की, तो रेटिना का काम पहले क्या हो गया, इमेज का फॉर्मेशन हो गया, तो यहाँ पे इमेज जो है वो फॉर्म हो गई। दूसरा, रेटिना के पास दो तरह के सेल्स होते हैं, एक रॉड सेल्स और दूसरे कोन सेल्स। तो रॉड सेल्स आर सेंसिटिव टू डिम लाइट और कोन सेल्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट। ठीक, अब क्या हो जाएगा इसके बाद, हम अगर बोले तो बात आती है हमारी ऑप्टिक नर्व की। तो रेटिना से जितने भी निकलने वाली जो नर्व्स हैं वो ये इम्पल्स सारी कहाँ चली जाएंगी, ऑप्टिक नर्व के पास चली जाएंगी और इससे क्या चली जाएंगी, यहाँ से ब्रेन की तरफ चली जाएंगी। ठीक है, अब बात आती है क्या विट्रस ह्यूमर। तो विट्रस ह्यूमर लेंस और रेटिना के बीच का जो ये लिक्विड है ये विट्रस ह्यूमर है और लेंस के इधर से इधर का जो लिक्विड है वो एक्वस ह्यूमर है। ठीक है, आई होप आपको सारी चीजें ये क्लियर हो गई होंगी, आप एक दो बार और देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ मैंने इसके सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे नोट करा दिए हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ लेंगे तो मैंने जो बोला है वही सब इसमें लिखा हुआ है। चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगली स्लाइड है कुछ डिफेक्ट्स हैं हमारे जो कि आईज में है, तो उन डिफेक्ट्स को करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगी कि सेशन में लास्ट तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि लास्ट में हम बचे हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो कि 2022-23 वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आएगा कि कैसे एग्जाम में आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा। और सीटेट में क्वेश्चन जो है बहुत रिपीट होते हैं, क्वेश्चन सेम टू सेम नहीं रिपीट होता, तो उसके जो पैटर्न है वो वैसे ही रहता है, तो आप इन सब चीजों से जरूर जुड़िएगा। चलिए देख लेते हैं, सबसे पहला डिफेक्ट मायोपिया। मायोपिया क्या होता है, मतलब एक ऐसी बीमारी जिसमें कि जो भी किसी को हो गई है तो दूर की चीज जो है अगर कोई यहाँ पे खड़ा है तो इसको यहाँ की चीज नहीं दिखेगी पर ये पास का ऑब्जेक्ट देख सकता है, इसीलिए इसको नियर साइडेडनेस बोल देते हैं, उल्टा टर्म बोल देते हैं कि पास की तो चीज उसे दिख पा रही है पर दूर की चीज वो नहीं देख पा रहा है। ठीक है, तो इट इज अ कॉमन कंडीशन वेयर नियर ऑब्जेक्ट्स अपीयर्स क्लियर बट ऑब्जेक्ट्स फार्दर अवे लुक्स ब्लरी, मतलब धुंधला दिखता है। निकट दृष्टि दोष बोलते हैं, एक सामान्य दृष्टि स्थिति में जिसमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं पर दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, अब ध्यान से सुनिएगा, नॉर्मल विजन है तो मतलब जो इमेज है हमारी कहाँ बन रही है, रेटिना पे बन रही है, मार्कर चेंज, कलर चेंज, ये इमेज कहाँ बनी, रेटिना पे बनी। पर मायोपिया में अगर आपको मायोपिया हो गया किसी को तो इमेज क्या है, रेटिना के पहले बन जाएगी, तो आपको क्या याद रखना है, इमेज कब बनेगी, रेटिना के पहले। ठीक है, दूसरी बात, अब आप यहाँ पे कौन सा तरीके का लेंस लगा रहे हैं, आप यहाँ पे लगा रहे हैं कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो आपने क्या चीज देखी कि इसमें एक तो पहले इमेज बन जा रही है पर इसको अगर ठीक करा जाएगा तो आप यहाँ पे मार्कर चेंज, आप ये देखिए कि बीच में क्या है, कॉनकेव लेंस लगा दिया गया और इससे क्या है, वापस से इमेज जो हमारी है रेटिना पे बन जा रही है। ठीक है, तो आपको सिर्फ इसमें इतना ही याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं, अगला है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाता है, जैसे जिसको पास की चीज नहीं दिख रही, अभी दूर की चीज नहीं दिख रही थी, पास की चीज दिख रही थी, पर इसमें क्या हो जाएगा, इसमें पास की चीज जो है वो नहीं दिखेगी पर दूर की चीज जो है वो दिख जाएगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है, कंडीशन ऑफ आई वेयर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स आर सीन क्लियरली बट नियर ऑब्जेक्ट्स अपीयर ब्लर्ड, मतलब पढ़ने वाला चश्मा जो है उनको लग जाता है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या है, आप एक नॉर्मल कंडीशन देखिए, इमेज बन रही है कहाँ, रेटिना पे। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया हो गया तो इमेज कहाँ बनी, अब रेटिना के बाहर बनी इमेज, तो यहाँ पे कहाँ बन रही है, रेटिना के बाहर बन रही है, बाहर सॉरी हार हो गया, बाहर हो गया, तो कहाँ बन रही है रेटिना में, बाहर बन रही है। ठीक, रेटिना के बाहर, वो क्या थी, रेटिना के पिछला अगर मायोपिया बोलूं तो रेटिना के पहले बन जा रही थी, ये रेटिना के या बाहर बोलूं या रेटिना के बाद में बन रही है। तो इस कंडीशन में कौन सा मिरर लगाया गया, इस कंडीशन में आपके लिए लगाया गया कॉन्वेक्स, सॉरी मिरर नहीं, कॉन्वेक्स
लेंस हमने यहाँ पे लगाया। तो यहाँ पे ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स, यही आपके एग्जाम में पूछा जाता है कौन से तरह का लेंस जो है वो लगा के आप इस कंडीशन को दूर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब एक चीज और आपकी रह गई थी जो पिछले स्लाइड में मुझे करानी चाहिए थी पर शायद मेरे से रह गई, मिस हो गई। तो आपको कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर के एग्जाम्पल्स जो है वो याद रखने हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है। तो आप देख लो, कोई आपके एक अभी आपको स्लाइड में क्वेश्चन में दिखेगा कि एक दूर से बड़ा ऊंचा सा लंबा सा टावर है। अब इस टावर को आपको देखना है दूर से और ऐसा देखना है कि उसकी पूरी इमेज आ जाए, तो आप कौन से तरीके का मिरर उसमें यूज करेंगे? तो आपका आंसर हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर कोई भी दूर की जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी इमेज को वो पूरा ले लेता है। जैसे कार आ रही है दूर से तो पूरी दिख रही है, ठीक है, देख सकते हैं इसमें कि कार छोटी सी पूरी दिख रही है, ठीक है, यहाँ से पूरा सब चीजें सारी विजिबल है। कॉनकेव मिरर कहाँ यूज होता है? डेंटिस्ट के यहाँ यूज होता है, बर्निंग मिरर है, ठीक है, फिर हमारे टॉर्च लाइट में कॉनकेव मिरर, सोलर कुकर में, हेडलाइट में, तो ये सब जगह जहाँ पे आपको बड़ा ऑब्जेक्ट देखना है, थोड़ा बड़ा दिखना है, वहां पे कॉनकेव मिरर यूज हो रहा है। और जहां पर मतलब चीज जो है दूर की आई हुई चीज जो आपको पूरी देखनी है, मतलब बहुत दूर से कुछ देखना है, तो वहां पे कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। चलिए आइए अब करते हैं हम MCQs जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कल हमने कुछ करे थे और कुछ हमारे जो बचे हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो मैं आज यहाँ पे आपको करा रही हूँ। तो ध्यान से जुड़े रहिएगा पूरे सेशन से और इन सब वीडियोस से आप फायदा उठाइएगा। चलिए अब आप देखेंगे कि आपने जो पढ़ा वही आपको एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा इन सब चीजों को करने से। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट कैन बी सीन व्हेन लाइट पासेस। तो अब आपको ये क्वेश्चन बताना है, और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यहाँ पे, कि आपको ऐसा प्रोसेस बताना है जहाँ पे डिस्पर्शन ऑफ लाइट देखने को मिल रहा है। तो इसके कुछ ऑप्शन ऐसे थे कि ऑप्शन 1, 2, 3, ठीक है, फिर बी ऑप्शन था कि 2, 3, 4, फिर सी ऑप्शन था कि 1, 3, 4, कि डी था 3, 4, 2। तो आपको इस तरह से ऑप्शंस दिए हुए थे, तो ये स्लाइड में आया नहीं है, शायद टाइपिंग में थोड़ा एरर हो गया है। तो अब आप देखिए डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहाँ कहाँ देखने को आपने, अभी मैंने लास्ट में पढ़ाया था तो कहाँ था कि आपको सोप बबल में भी डिस्पर्शन ऑफ लाइट देखने को मिलेगा, इसलिए मैंने इमेज भी लगा दी थी जिससे कि आपके दिमाग में इमेज याद आ जाए। फिर सर्फेस ऑफ सीडी में भी आपको डिस्पर्शन ऑफ लाइट देखने को मिलेगा, फिर ड्रेन ड्रॉप्स में भी आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज और देख लीजिए कि जो लास्ट वाला ऑप्शन है कि गेट फोकस ऑन द सर्फेस ऑफ शाइनी मार्बल, अगर कोई भी चीज शाइनी है इसका मतलब वो एक तरह से मिरर का काम कर रही है, वहां पे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगली स्लाइड बोल रही है द इमेज फॉर्म बाय पिन होल कैमरा। हमने कल वाले वीडियो में पिन होल कैमरा पढ़ा था, ठीक है, उसमें याद करिए क्या क्या चीजें थी। उसमें क्या था कि एक ये पेड़ बना हुआ है और यहाँ पे ऐसे क्या है, एक बॉक्स रखा है जिसमें एक छिद्र कर दिया गया है और लाइट रेज यहाँ पे एंटर हो रही है। इससे ये हमें पता लग रहा है लाइट हमेशा सीधी रेखा में ट्रेवल करती है और यहाँ पे जाके हमको इसका जो है इमेज देखने को मिल रही है स्क्रीन पे, और उल्टी उल्टी इमेज मिल रही है, इन्वर्टेड मिल रही है, ठीक है। ये इमेज हमें कैसे मिली, इन्वर्टेड मिली और रियल मिली, ठीक है, छोटी इमेज, स्मॉल साइज मिली हमें। चलिए अब देख लेते हैं कि इमेज फॉर्म बाय पिनहोल कैमरा इज रियल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट बेस्ट डिस्क्राइब द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस फिनोमेना। आपको ये बताना है, तो आपका उत्तर तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि लाइट जो है ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में। पिनहोल कैमरा द्वारा बनाई गई छवि वास्तविक है, प्रकाश का निम्नलिखित में से कौन सा गुण इस घटना के लिए सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? तो ये बात है कि लाइट जो हमेशा ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में, रिफ्रैक्शन होता नहीं है, सेवन कलर्स की बात होती नहीं है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक एक्स एक गैजेट है, ठीक है, और एक्स गैजेट जिसका उपयोग छवियों के विभिन्न पैटर्न को देखने के लिए किया जाता है, ठीक है। एक्स का नाम बताएं और बताएं कि एक्स को बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है। तो एक्स एक गैजेट है और जो डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ इमेजेस को आपने देखा था ना कि पैटर्न्स बन रहे हैं, और वो पैटर्न्स आपको किस में देखने को मिल रहे हैं, वो आपको देखने को मिल रहे हैं, आप सही है, कैलाइडोस्कोप में, ठीक है। तो अब इसके हिसाब से आप देख लेते हैं क्या होगा, तो ये आंसर हो जाएगा कैलाइडोस्कोप। अब कैलाइडोस्कोप में क्या क्या चीजों की जरूरत थी, हमने ट्राइंगल शेप में क्या था, तीन तरह के क्या लगाए थे, मिरर्स लगाए थे, वेरी नाइस।
और तीन तरह के मिरर्स लगाने से क्या हो गया था, ट्रायंगल शेप में सिंपल प्लेन मिरर्स लगे हुए थे, और उससे आपको यहाँ पे एक तरफ क्या था, चूड़ी पूड़ी और सारा टूटा फूटा माइटम पड़ा था, और दूसरी तरफ से आप देख पा रहे थे, और बहुत डिफरेंट डिफरेंट आकृति आपको देखने को मिल रही थी। तो क्या ये पेरिस्कोप है? नहीं। थ्री रेक्टेंगुलर मिरर्स स्ट्रिप्स आर ए सर्कुलर प्लेन ग्लास विद सम पीसेज ऑफ बैंगल्स एंड कार्डबोर्ड ट्यूब एंड डिस्क। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा टू। ठीक है, टू बॉक्सेस ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड ए ट्रांसलूसेंट स्क्रीन, ये नहीं होगा, ये किस में हो जाता है, पिन होल कैमरा में हो जाता है। ठीक है, चलिए आपका उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर टू। चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगली स्लाइड हमारी बोल रही है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब क्या है, वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, ये बात बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि आपने देखा था कि आप जब मिरर के आगे खड़े हो रहे हैं तो मिरर के आगे आपकी इमेज कैसे बन रही है, वर्चुअल बन रही है, तो ये स्क्रीन पे इसको ऑप्टेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब दूसरा इसका क्या है, ये तो हो गया एसर्शन, और ये क्या हो गई इसकी रीजनिंग। ठीक है, तो वर्चुअल इमेजेस आर फॉर्म्ड एट अ पॉइंट वेयर द लाइट रेज अपीयर्स टू डाइवर्ज, ये बात बिल्कुल ठीक है कि डाइवर्जन आपको देखने को मिलता है। अब वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज इरेक्ट, ये जो है ये इस पहले वाले एसर्शन का कोई रीजन नहीं है, ये एक तरह से इसकी एक स्टेटमेंट है या एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक है किसकी, वर्चुअल इमेजेस की, कि वर्चुअल इमेजेस हमेशा सीधी होती है। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपका उत्तर हो जाएगा ये वाला, कि जिसमें बोथ आर आर वन मतलब रीजन वन और रीजन टू दोनों ठीक है, पर जो रीजन आपका ये सेकेंड रीजन है वो इसकी कोई व्याख्या नहीं कर रहा है, मतलब फर्स्ट वाले assertion की। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। ये सेम चीज हिंदी में भी लिखी है, प्रकाश के प्रकीर्ण की प्रक्रिया को प्रकाश में लाने के लिए देखा जा सकता है। चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द शैडो फॉर्मेशन। अब देखिए आपका शैडो फॉर्मेशन से भी एक क्वेश्चन आ गया कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, आपको क्या है, नहीं खोजना है, जब भी आप नहीं देख लें आप तुरंत उसको ऐसा सर्कल बना लें, क्योंकि क्या है उससे क्या हो जाता है, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होता है, तो आपको सही नहीं है। तो येलो ऑब्जेक्ट कास्ट ऑफ अ ब्लैक शेडो, ठीक है, मतलब इससे ये मतलब आता है कि कोई भी कलर का ऑब्जेक्ट है, मैं सतरंगी कलर पहन लूँ, मैं सितारे पहन लूँ, मैं हीरे जवाहरात पहन लूँ, पर मेरी शेडो हमेशा जो है वो कैसी आएगी, वो हमेशा ब्लैक आएगी। ये हमेशा याद रखना, ये आपने ऑब्जर्व किया भी होगा, नहीं किया तो करके देखो। ठीक है, शेडो कैन बी फॉर्म्ड बाय ओपेक ऑब्जेक्ट्स ओनली, ये बात बिल्कुल ठीक है कि शेडो हमेशा ओपेक ऑब्जेक्ट्स के से ही क्या है, जिससे जिस ऑब्जेक्ट से लाइट जो है वो आर पार ना जा सके, उसी ऑब्जेक्ट से जो है शेडो बनती है उसकी हेल्प से, तो ये बात बिल्कुल सत्य हो जाएगी। फिर लेंथ ऑफ द शेडो इज ऑलवेज द सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, देखते हैं। द शेप ऑफ द शेडो डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ अ लाइट एंड द ऑब्जेक्ट, तो ये बात भी ठीक है कि शेप ऑफ द शेडो जो होती है, अगर कोई लाइट सोर्स और किसी इंसान के बीच में, लाइट सोर्स और इंसान के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो शेडो उसकी हो सकता है थोड़ी बड़ी दिखे, या अगर आप देखने देखा होगा कि ये पेड़ है और इसके ऊपर जो है क्या सन है, तो अगर सन बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर है तो शेडो इसकी क्या है, इतनी छोटी सी ही बनेगी, पर अगर यहाँ पे है तो शेडो क्या है, थोड़ी ऐसी लंबी सी बन जाएगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि द शेप ऑफ द शेडो किस पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस ऑफ द सोर्स लाइट एंड द ऑब्जेक्ट, मतलब कितना दूर सोर्स लाइट, लाइट और ऑब्जेक्ट कितने दूरी पे है उसके ऊपर निर्भर करती है शेप ऑफ द शेडो, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक हो गई। पर क्या लेंथ ऑफ द शेडो हमेशा सेम होती है हर ऑब्जेक्ट के लिए, ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। तो आपको आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर थ्री इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आई होप मैं आपकी चीजों को क्लियर कर पाई हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following groups always form the virtual image of the object? अब आपको बताना है कि कौन सा ऐसा ग्रुप है जो हमेशा वर्चुअल इमेज जो है वो बनाता है, आपको ऐसा ग्रुप खोजना है। तो अब आप फटाक से, मैं आपको रिवाइज कराती हूँ वापस से, मेरा काम बार बार रिवाइज कराना इसलिए है जिससे कि आप जो है एग्जाम में गलत ना करें। तो हम बात करते हैं कॉनकेव मिरर, और इसका कौन दोस्त है, कॉनकेव मिरर का दोस्त है कॉन्वेक्स लेंस, बहुत अच्छा आपको याद है चीजें। और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर, आप एक ही चीज याद रखिए, दूसरी चीज अपने आप याद हो जाएगी, और इसका दोस्त कौन है, कॉनकेव लेंस। ठीक है, अब देखिए जो इसकी क्वालिटी है वही इसकी क्वालिटी है, तभी तो ये दोस्त है, जो इसकी क्वालिटी है वही इसकी क्वालिटी है, तभी तो ये दोस्त है। तो अब कॉनकेव मिरर क्या हो जाएंगे, ये सब होते हैं, मैंने आपको क्या लिखवाया था, ये सब होते हैं, रियल भी होते हैं, डिमिनिश्ड भी होते हैं, वर्चुअल भी होते हैं, इरेक्ट भी होते हैं, एनलार्ज्ड भी होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गए, सारी चीजें हो गए। अब क्या है, कॉन्वेक्स मिरर, तो ये हमेशा क्या हो जाते हैं, वर्चुअल होते हैं, इरेक्ट होते हैं या डिमिनिश्ड होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या था, लिमिट थी डिमिनिश्ड। ठीक है, तो अब आपसे पूछा है कि
विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑलवेज फॉर्म द वर्चुअल इमेज, निम्नलिखित में से कौन सा समूह हमेशा वस्तु की आभासी छवि बनाता है। अब आ गई ना बात हमेशा, अगर यहाँ पे हमेशा नहीं होता तो हमारा आंसर ये हो जाता, पर इसमें बात आ गई ऑलवेज। ऑलवेज वर्चुअल इमेज कौन बनाता है, या तो कॉन्वेक्स मिरर या कॉन्केव लेंस। तो आप देख ऐसा ऑप्शन छाट लेते हैं, कॉन्वेक्स लेंस बनाता है, नहीं कॉन्वेक्स लेंस तो हमारे नहीं बनाता, कॉन्वेक्स मिरर बनाता है, हाँ ठीक है, फिर कॉन्केव लेंस बनाता है और प्लेन मिरर बनाता है, तो ऐसी भी हाँ ठीक है, प्लेन मिरर भी बना देगा, प्लेन मिरर भी बना देता है, कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर आ जाएगा इसमें, तो ये कॉन्केव मिरर नहीं होगा, कॉन्वेक्स मिरर आ रहा है ठीक है, फिर कॉन्केव मिरर आ रहा है तो नहीं, तो ऑप्शन नंबर टू आपका इस हिसाब से करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। द फैक्टर्स ऑन विच द शेडो फॉर्मेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट डिपेंड इज, अब फिर से एक क्वेश्चन आ गया शेडो फॉर्मेशन का, तो इसलिए शेडो फॉर्मेशन है टॉपिक इजी सा, पर आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है बार बार, तो आपको याद भी रखना है। तो अब है नॉट डिपेंड, किस पे नहीं निर्भर होती है, तो शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट पे होती है निर्भर शेडो, ठीक है, किस तरह का शेप है अपना आड़ा तिरछा शेप आ ही जाता है। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इस पे भी निर्भर होती है, ठीक है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इस पे भी निर्भर होती है, पर कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई शेडो नहीं होती है, तो आप उत्तर हो जाएगा उत्तर नंबर चार। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगली स्लाइड है हमारी, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू ऑब्जर्व द कंप्लीट लेंथ ऑफ अ डिस्टेंस टॉल टावर क्लियरली। अभी मैंने आपको बताया था कि कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर, ठीक है, इसके क्या आपको उदाहरण जो है वो याद रखने हैं, कितने याद रखने हैं, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आपको टॉल टावर जो है, दूर लगा हुआ टावर है, मान लीजिए ये टावर है, ये तो मैंने पेड़ बना दिया, टावर है, और इसको आप कहीं पे कार में आ रहे हैं और आप देखना चाहते हैं कि ये जो है आपको दिख जाए, तो आप कैसे मिरर को यूज करेंगे, यस आप कॉन्वेक्स मिरर को आप उसमें यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये आ गया आपका प्लेन मिरर से एक क्वेश्चन, और प्लेन मिरर से भर भर के क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल वाले, तो चलिए कर लेते हैं। सपोज यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, जैसा आप बोल रहे हैं ना वैसा आप बनाते जाओ, बस एक बात को आप याद रखो जो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, कि अगर आप यहाँ खड़े हो 2 मीटर की दूरी पे, तो आपकी जो छवि है वो भी 2 मीटर की दूरी पे ही बनेगी, मतलब जो आपकी इमेज बनेगी 2 मीटर, अगर आप 1 मीटर इधर चले हो तो आपकी जो इमेज है ये भी 1 मीटर आपके पास आ जाएगी, ठीक है, तो 1 मीटर डिस्टेंस रह जाएगा, इधर भी 1 मीटर रह जाएगा, बस आपको इतनी चीज याद रखनी है, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, सपोज यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, मान लीजिए आप किसी गैलरी में दीवार पर लगे समतल दर्पण के सामने खड़े हैं, आप दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर हैं और आपका मित्र 4 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, हम अपने को बना लेते हैं पहले, ये हो गई मैं सुंदर सी प्यारी सी, ठीक, अब मैं कितनी हूं, यू आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, अब मेरा डिस्टेंस कितना है 3 मीटर, और एंड योर फ्रेंड, और मेरे दोस्त, मेरे दोस्त तो आप ही है ना, तो मेरे दोस्त आप यहाँ पे, आप भी सुंदर से, तो आप कहाँ है, आप 4 मीटर की दूरी पे हैं, ठीक है, आपकी डिस्टेंस कितनी है 4 मीटर है, मेरी 3 मीटर आपकी 4 मीटर, ठीक है, What is the distance between you and the image of your friend? अब आपको डिस्टेंस कितनी आपकी और आप, अच्छा अब आपकी आपकी इमेज कितनी दूरी पे बनेगी, मैं आपका मार्कर चेंज कर देती हूँ जिससे आप समझ पाए। अब आपकी इमेज जो है, अगर मेरी, मैं अपनी इमेज बना रही हूँ, तो मेरी इमेज जो है वो भी 3 मीटर पे ही बनेगी, और आप मेरे दोस्त हैं, आपकी भी इमेज कितनी दूरी, आपकी इमेज कितनी दूरी पे बनेगी, आपकी इमेज बनेगी 4 मीटर की दूरी पे, ठीक है, दूर बनेगी थोड़ी मुझसे, ठीक। अब देखते हैं, अब क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन यू एंड द इमेज ऑफ योर फ्रेंड, अब आपके भी, अब क्या पूछा, आपके, मेरे और आपके दोस्त, मतलब फिर से मैं मार्कर चेंज करती हूँ जिससे चीजें समझ में आए, ये आप, मतलब मैं, मेरे और मेरे दोस्त के बीच की डिस्टेंस मुझे बतानी है, तो मेरे बीच, मेरी डिस्टेंस कितनी थी 3 मीटर और मेरे दोस्त की डिस्टेंस थी 4 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी आपकी 7 मीटर, ऑप्शन हो जाएगा 2। ठीक है, आपको आई होप मुझे आपको समझ में आया होगा, मैं आपकी बातों को समझा पाई होंगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर से आ गया एक और हमारा प्लेन मिरर का क्वेश्चन। श्यामा इज स्टैंडिंग 1 मीटर अवे फ्रॉम अ प्लेन मिरर, अब श्यामा एक समतल दर्पण से 1 मीटर की दूरी पर खड़ी है। चलिए श्यामा को बना लेते हैं, ये हमारे हो गए प्लेन मिरर हो गया, और ये हो गई हमारी श्यामा जी। श्यामा जो है 1 मीटर दूरी पे खड़ी है, ठीक है, 1 मीटर की दूरी है ये। अब
एंड इज ऑब्जर्विंग हर इमेज, और अपनी क्या है सुंदर सी आकृति देख रही है यहाँ पर, ठीक है। शी टेक्स टू स्टेप्स बैकवर्ड। अब श्यामा क्या कर रही है, मार्कर चेंज कर देते हैं श्यामा को समझाने के लिए, ग्रीन मार्कर। श्यामा दो स्टेप पीछे हो जा रही है, तो श्यामा अब कहाँ आ गई, श्यामा मान लीजिए अब यहाँ आ गई, ठीक है। श्यामा अब यहाँ आ गई, दो स्टेप पीछे हो गए, श्यामा यहाँ आ गई। वट चेंज वुड सी शी सी इन हर इमेज, तो अब उसकी इमेज भी तो 2 मीटर जो है वो पीछे चली जाएगी ना, तो देख लेते हैं। द इमेज इंक्रीजेस इन साइज, तो भाई छवि का आकार बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं लिखा गया, ठीक है। छवि का आकार जो है वो कभी बढ़ता नहीं है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ छवि का आकार जो है कभी नहीं बढ़ेगा। छवियां आकार में समान रहती हैं लेकिन दर्पण से दूर चली जाती हैं, ये आपका ऑप्शन जो है वो सही लग रहा है। देख लेते हैं बाकी भी। छवि आकार में समान रहती हैं लेकिन दर्पण के नहीं, करीब तो नहीं आ रही है, दूर जा रही है। ये इमेज देखिए यहाँ से इधर चली गई, तो छवि भी उसकी दूर चली गई, ठीक है। अब छवि का आकार बढ़ता है तो बढ़ता नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2, द इमेजेस रिमेन द सेम इन साइज बट मूव्स फर्दर अवे फ्रॉम द मिरर। आई होप आपकी बात को मैं क्लियर कर पाई होंगी। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ फिशरमैन गोज टू अ वाटर बॉडी नियर बाय टू अ स्पेयर अ फिश, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड ही कंसिडर, ही शुड हिट अबव द अपेरेंट पोजिशन। अच्छा, अब इसको करने से पहले मैंने एक इमेज लगाई थी, ओह चलिए इमेज रह गई है, तो ये देखिए आपको क्या करना है इसमें। अ फिशरमैन गोज टू अ वाटर बॉडी नियर टू अ स्पेयर टू बाय टू स्पेयर अ फिश, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड ही कंसिडर, ही शुड हिट अबव द अपेरेंट पोजिशन ऑफ द फिश, उसे मछली की स्पष्ट स्थिति से ऊपर मारना चाहिए, ठीक है, उसे मछली की स्पष्ट स्थिति से नीचे मारना चाहिए। तो देखिए इसमें क्या होता है, अगर मैं आपको समझाऊं, ये एक बीकर है और इसमें पेंसिल प्रेजेंट है, ठीक है, हमने इसमें पेंसिल जो है वो डाल दी है, जस्ट अ सेकेंड मार्कर चेंज कर देती हूँ, ठीक है। ये बीकर है और इसमें क्या है, इसमें पेंसिल डाली हुई है, ठीक है, ये पेंसिल है और इधर इसकी पेंसिल की नोक है, ठीक। पर अगर इसमें पानी डाल देंगे तो क्या होगा, थोड़ी सी जो है वो उथली हुई हमको दिखाई देती है, ऐसी दिखाई देगी उथली हुई, तो वो क्यों हो गया, क्योंकि वो उससे थोड़ी सी उथली हुई दिखाई देती है। उससे क्या होता है, आप देख सकते हैं, आपको लगेगा कि इधर साइड में है पर होती क्या है, एग्जैक्ट पोजिशन उसकी ये होती है। तो इस सिचुएशन में क्या है, मान लीजिए मछली है, ये मछली है, तो मछली क्या होगी, है तो एग्जैक्ट पोजीशन में इधर, पर उसको दिखाई किधर देगी, मैं आपको मार्कर चला के दिखा देती हूँ कि दिखाई दे रही है उसको इधर पोजीशन में, तो इसको अगर वो उसको निशाना लगाना है तो उसको निशाना थोड़ी सी उसको नीचे हिस्से में लगाना पड़ेगा, तो इसके हिसाब से उसे मछली की स्पष्ट सी नीचे मारना होगा, ठीक है। यू शुड हिट बिलो द अपेरेंट पोजिशन ऑफ द फेस, जहां उसे दिख रही है उससे थोड़ा नीचे मारना होगा, तब जाके उसका टारगेट जो है वो हिट होगा। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि रिफ्रैक्शन उसमें जो प्रक्रिया है वो हो जा रही है, ठीक है। चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, अब आपको सही जो है स्टेटमेंट चुनना है इस पूरे जो स्टेटमेंट्स दिए हैं इसमें। तो उत्तल दर्पण सदैव वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अब आप मेरे ख्याल से आपका काम है, वैसे तो आंसर मैंने यहाँ दिया हुआ है, पर हमने इतने सारे क्वेश्चंस पढ़े हैं, इतने सारे कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर के पढ़े हैं, कि आपका होमवर्क है कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे इसका क्वेश्चन का आंसर देंगे, ठीक है। और आंसर आप ऐसा दे देंगे कि आप सिर्फ इसकी जो स्टेटमेंट है वो पूरी नोट कर देंगे, ठीक है, इसकी स्टेटमेंट फुल आप टाइप करके जो है इसको, आपका ये होमवर्क है। और प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जिससे मुझे समझ में आएगा कि मेरे जो सारे फ्रेंड्स हैं उनको समझ में आया भी कि नहीं, ठीक है, जरूर आप करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिस्टेंस बिटवीन, अब एक फिर क्वेश्चन आ गया किसका, मिरर वाला, प्लेन मिरर का। डिस्टेंस बिटवीन अ पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर एंड हर इमेज इज 13। चलिए देख लेते हैं, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, देख थोड़ा टफ लगेगा, पर चलिए कर लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप आप करते जाएंगे आपका क्वेश्चन निकलता जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन अ पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर एंड हर इमेज इज 13। अब एक ये यहाँ पे हमारे अंकल जी खड़े हैं, अब ये अंकल जी और उनकी जो इमेज बन रही है उसके बीच की जो दूरी है, ये दूरी बताई है कितनी, ये दूरी है 13 मीटर। तो इसका मतलब अगर मैं बोलूं तो अंकल जी की यहां से यहाँ की मिरर से खड़े होने की डिस्टेंस 6.5 और यहां से यहाँ की दूरी भी कितनी हो जाएगी, 6.5। अब बोला है कि शी हूं, सॉरी आंटी जी हैं, सॉरी शी है, तो आंटी जो खड़ी थी इनकी दूरी आपने देख ली, शी मूव्स 3 मीटर क्लोजर टू द मिरर। अब क्या है, वो
3 मीटर क्या है पास चली जा रही हैं, 3 मीटर यहाँ से भी गई तो ये यहाँ पे आके अब खड़ी हो गई। तो 3 मीटर इसमें से कम कर देंगे तो अब कितना हो जाएगा, ये 3.5 आएगा, ठीक है, 3 मीटर हमने माइनस कर दिया। अब यहाँ पे इनकी जो इमेज बनेगी आंटी जी की, ये भी 3.5 मीटर डिस्टेंस पे बनेगी, ठीक है। तो अब क्या पूछा है, द डिस्टेंस बिटवीन हर एंड द इमेज, अब इनके और इनके बीच की जो है दूरी पूछी है, तो ये कितनी हो जाएगी, 3.5 + 3.5, ये कितनी हो जाएगी, 7 मीटर्स आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको आई होप समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ अ रे इफ द रिफ्लेक्टेड रे, अब क्या हो गया आपको, रिफ्लेक्शन से क्वेश्चन आया, ये क्या है, ये हमारा प्लेन मिरर है और ये इमेजिनरी लाइन है नॉर्मल, और रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट रे हम अभी बनाते हैं। व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इफ द रिफ रिफ रे सॉरी ऑफ अ रे इफ द रिफ्लेक्टेड रे इज एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री टू इंसिडेंट रे, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल जो है इन्होंने दे के रखा है कितना, ये एंगल दिया है कितना, 90 दिया है। तो अगर ये एंगल 90 है तो इसका मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि ये वाला एंगल 45 डिग्री है और ये वाला एंगल भी 45 डिग्री है, तो इसके हिसाब से उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बस यहीं तक हमारे क्वेश्चन थे, मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंक्लूड करे हैं, आई हो कुछ हो सकता हो रह गए हो तो हम जब मैराथन करेंगे तो उसमें वह उन क्वेश्चंस को इंक्लूड कर दूंगी। आप इस सेशन से जरूर जुड़िएगा, आपके सीटेट के एग्जाम में साइंस की तैयारी जो है वो यहाँ से हो जाएगी। चैनल नया है, कोशिश कर रहा है आपकी चीजों को पूरी कर पाए। चलिए थैंक यू, आपका आभार, आपने वीडियो को पूरा देखा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।